हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, मैं माइक्रो ब्लीडिंग के बारे में बताने वाली हूँ। ये एक क्लास का वीडियो है जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लें जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइक्रो ब्लीडिंग करते हुए, तो उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। यहाँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलने वाला है, तो मेरी वीडियो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ। तो कलर हम जो कुछ दे रहे हैं उसके साथ में तीसरा कलर आया तो वो कलर कुछ और बन जाएगा। तो हमारा जो एपिडर्मिस में है वहाँ ब्लड की वेन्स नहीं है, तो मेरा वो कलर एज इट इज रहेगा जो मैं पेनिट्रेशन दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं डर्मिस तक लेके गई तो मेरा कलर वहाँ से चेंज हो जाएगा, तो वो कलर ये आ जाएगा। आपने कहीं कहीं गंदी वाली आईब्रोज किसी को करवा के घूमते देखा होगा पक्का, क्योंकि मेरे पास दो क्लाइंट ऐसे आए हैं, ग्रीन पड़ गई है। हाँ, जो दो क्लाइंट ऐसे आए हैं ग्रीन आईब्रो लेके आए और बहुत गंदी वाली आईब्रो लेके आए हैं जिनका रिमूवल मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बाकी जगह यहाँ से कराया। उसके बाद में उसको जो है उसको लाइन में लगा दिया, एक लाइन में तो ठीक लगा और एक पूरी आग में फैला दिया, वो ये लेके रुक गई। हमें वो काम नहीं करना है ना। एक क्लाइंट से आपका माल होगी, बट वो एक क्लाइंट जो आपका खराब होके गया वो आपके 10 क्लाइंट वापस लेके जाएगा। अच्छा काम सीखो, अच्छा काम सीखने के बाद अच्छा काम करना शुरू करो, और जब तक आपकी थ्योरी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। आप और आईब्रो टैटू और माइक्रो ब्लीडिंग, हाँ माइक्रो ब्लीडिंग दोनों में क्या फर्क है? आईब्रो टैटू टैटू मशीन से लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट जो है वो भी करके दे रहे हैं, बट हमें वो टैटू आर्टिस्ट वाला काम नहीं करना, हमें ब्लीडिंग वाला काम करना। उसके प्रोडक्ट में डिफरेंस है, प्रोडक्ट बहुत फर्क है इसमें और उसमें, बहुत फर्क है। दोनों के कलर में फर्क होता है, दोनों की नीडल्स में फर्क होता है। हमें वो नीडल्स पहले समझनी है, उसके बाद ही काम करना है। टैटू की नीडल कौन सी है और आईब्रो की नीडल कौन सी है, उन दोनों में डिफरेंस रख के ही हम काम करेंगे, ठीक है? तो आपको ये क्लियर हो गया टैटू और माइक्रो ब्लीडिंग में दोनों में क्या फर्क होता है और कितना परमानेंट है। टैटू परमानेंट है, लेकिन ये हमारा सेमी परमानेंट है। सेमी परमानेंट हमारा क्या चलता है, 3 सिटिंग अगर मैंने करवा दी आफ्टर वन मंथ, मतलब एक एक महीने के इंटरवल पे हमें 3 सिटिंग देनी है उसको। 3 सिटिंग के बाद उसका 2 साल भी निकल सकते हैं, 3 साल भी निकल सकते हैं और 1.5 साल में भी निकल सकती है उसकी। डिपेंड करता है कि उसकी स्किन कितनी पील ऑफ कर रही है। किसी किसी की स्किन देखते होंगे आपके, बहुत जल्दी जल्दी स्किन पील ऑफ कर रही होती है, ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा होती है। तो जिनकी ड्राई स्किन ज़्यादा है, स्किन पील ऑफ ज़्यादा कर रही है, उनकी स्किन जल्दी निकलेगी, उनका कलर जल्दी निकलेगा। और जिनकी स्किन बहुत अच्छी मेच्योर हेल्दी स्किन है, मेच्योर बोल रहा हेल्दी स्किन है, तो वो थोड़ा पील ऑफ कम होगी, उनका लॉन्ग टाइम चल जाएगा, 2 से 3 साल भी चल सकती है, ठीक है? तो हमें क्लाइंट को पहले क्लियर कर देना है, 3 सिटिंग आपको लेनी है, 3 सिटिंग के बाद आपकी 1.5 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, हो सकता है 3 भी साल चल जाए। उसकी गारंटी आपको ये नहीं लेनी कि नहीं मैं आपको पूरी लाइफ की गारंटी दे रही हूँ, गारंटी नहीं लेनी। दूसरी चीज, माइक्रो ब्लीडिंग में जो हम कर सकते हैं, इसको पता है क्या क्या कर सकते हैं माइक्रो ब्लीडिंग में, क्या क्या कर सकते हैं? मैम लिप्स का होता है और आईलाइनर भी होता है, बस उसमें तेल वगैरह भी होता है, तेल में ब्यूटी स्पोर्ट्स और लाइनर, मस्कारा, काजल भी कर सकते हैं इसके अलावा, और आईलाइनर भी है, ठीक है? और इसके अलावा ब्लश वगैरह का भी बीबी ग्लो, बीबी ब्लश, जो कंटूर भी कर रहे हैं, हाइलाइटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। बीबी ग्लो फेशियल आएंगे, यस, हम अगर बीबी ग्लो फेशियल बोल के क्लाइंट को देंगे तो वो हर महीने हमारे पास 40 डेज में, 45 डेज में आएगा। अगर हम उसको परमानेंट मेकअप का पार्ट बना के देंगे तो वो सोचेगा अगर एक बार करवा लिया 6 महीने की छुट्टी हो जानी चाहिए, वो नहीं होती, क्योंकि स्किन का वही स्किन रिपेयर हो रही है, ऊपर की स्किन जा रही है, तो वो जल्दी निकल जाता है। और आप
रोज कितनी बार फेस वॉश करोगे, दो से तीन बार फेस वॉश करोगे तो जल्दी निकलेगा ना, तो हम उसको फेशियल बोल के करते हैं। बीबी ग्लो हमेशा फेशियल बोल के करेंगे। तो मैम ये भी मतलब ये चीज भी इसी तरह मिडिल से ही डालनी चाहिए। यस, ये भी मेकअप का अपडेट करता है मैंने सुना है। इसमें बीबी ग्लो जैसा एक सॉल्यूशन होता है, माइल्ड सा होता है, लेकिन मैंने ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। नहीं, ये डर्मा के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कोई हार्मफुल नहीं है अगर आप अच्छे प्रोडक्ट ले रहे हो। मैम ये जो और नए फेशियल सब जो है पर फेशियल से क्या इसके लिए हम एक क्लास अलग से रखेंगे पीआरपी और वेम्पायर फेशियल के बारे में भी बताएंगे। सो अपनी क्लास में हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस देते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स माइक्रोब्लेडिंग का पूरा प्रैक्टिस करते हैं, मैपिंग शेपिंग सब कुछ उनको हैंड ऑन कराया जाता है, हैंड ऑन प्रैक्टिस रहता है। और उसके बाद में आपका पेपर प्रैक्टिस रहता है, फ्रूट प्रैक्टिस रहता है, देन लेटेक्स शीट और स्किन पर प्रैक्टिस रहता है। प्रॉपर तरीके से एक एक आईब्रो आपको एक एक तरीके से एक एक स्ट्रोक सिखाया जाता है, हेयर स्ट्रोक कैसे नहीं आएगी बताया जाता है, और पहली चीज आपके खड़े होने का नीडल किस तरीके से चलाई जाती है, प्रॉपर एक एक टेक्निक सिखाई जाती है हमारे यहाँ। तो जिन लोग को अगर माइक्रो ब्लीडिंग में अपना करियर बनाना है वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर अपने बायो में दे दूंगी। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। आपके कोर्स की सारी डिटेल्स मेरे इस वीडियो में भी मिलेंगी, और उसके बाद में आप अगर कॉल करते हैं तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ मैंने आईब्रो में सिर्फ आर्च पे काम किया था, क्योंकि उनको सिर्फ आर्च पे ही चाहिए था, थिकनेस अच्छी थी आईब्रो में, तो ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर कुछ काम करने की। तो ये था उनका फाइनल लुक, सिर्फ आर्च पे काम किया था हमने। सी कोर्स के रिगार्डिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा लिंक में रहेगा, नंबर हमारा बायो में रहेगा। स्ट्रोक्स आप देख पा रहे हैं, एकदम खाली आईब्रो को भी हम अच्छे से स्ट्रोक्स देके एक अच्छा लुक दे सकते हैं। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो ज़रूर करें।